बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अदालत ने एक फैसला किया है तोशाखाना केस में, जिसमें पानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया को 14-14 साल कैद सुनाई गई है। ये एक अदालत का फैसला है, और जो चीजें हमें सामने आ रही थी मीडिया के जरिए तोशाखाना के हवाले से, तो उसमें तो जाहिर था कि उनको सजा होनी है। वो आज होनी है, कल होनी है, जब भी होनी है, वो तो उनको हुई है। और साथ साथ जो है, अब ये जो इनको एतराज होगा, जो भी होगा, तो उससे ऊपर का जो फोरम है उसको इस्तेमाल करेंगे। और एक फैसला आ चुका है, फैसले के खिलाफ जो है जो भी उनके लॉयर जो है वो जाएंगे फोरम पे। लेकिन जैसे माजी में बानी चेयरमैन कह रहे थे, जब नवाज शरीफ साहब को सजा होगी, किसी ताकतवर को सजा होगी, कि पाकिस्तान और एक पाकिस्तान की बात करने वाले अदालतें तो सबके लिए बराबर हैं। ये तो नहीं है कि गरीब को सजा होगी और अमीर को सजा नहीं होगी, या कोई मखसूस लोगों को सजा नहीं होगी और बारे पूरे पाकिस्तान के बाकी लोगों को सजा होगी। अदालती निज़ाम है, उस फैसला आ गया है, और बानी चेयरमैन इस वक्त जो है वो किसी भी अहदे के अहल नहीं है। उसको नाअहल भी किया गया है, सजा भी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि उस इलेक्शन में, जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं, इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएम का मुकाबला, क्योंकि पीटीआई इस वक्त जो है वो मैदान में नहीं है और नहीं उनके पास कोई निशान है। अब इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं, उस पर देखते हैं कि पीटीआई की क्या आगे फ्यूचर है, क्या नहीं है। लेकिन बानी चेयरमैन का इस वक्त जो है वो नायल है और किसी अहदे के लिए अहल नहीं है। तो अब ये इलेक्शन के बाद ही चीजें सामने आएंगी, क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती। जी फैसल साहब, इस फैसले के पीटीआई के जो वोटर्स हैं, कारकुन हैं, उन पर क्या असरात होंगे? देखिए, दो किस्म के असर हो गए। कोई पार्टी के साथ जो है उसके साथ सिंपथी करेगा, और कोई मेजोरिटी जो लोग हैं वो उनको ये फैसला आ गया है कि फ्यूचर पीटीआई का नहीं है, उनको जो है उसका उन्होंने फैसला करना है कि वो किस जमात की तरफ जाएंगे। तो वो आए पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं, बाकी जमातों की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से उनके वोटर्स ने अभी इस 8 दिनों में 7 दिनों में फैसला करना है कि वो किस जमात को वोट करेंगे, क्योंकि पीटीआई इस वक्त जो है वो मैदान से आउट है। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहलिया बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, सियासी तौर पर फायदा हो सकता है उनको? देखें, आप अगर कहें कि मैं सियासत करूं और मैं अपने अहलिया या किसी भी खानदान के नाम पे वो करूं और बोलूं कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे, और ख्वातीन को ढाल बनाकर जो है हम ये पेश करें कि जी बुशरा बीबी अगर गिरफ्तार हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी लीडर गिरफ्तार हुई है, उन्होंने जो है वो लाठीचार्ज से भी सामना किया, उन्होंने आंसू गैसों का भी सामना किया, उन्होंने क्या दो बंद की सोपती बर्दाश्त की। नुसरत भुट्टो मरहूमा ने भी जो है शहीद ने भी ये चीजें देखी, डिक्टेटरशिप में फरियाल तारकूर साहबा को भी गिरफ्तार किया गया था, मरियम नवाज साहबा को भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो भी गिरफ्तार होंगी। देखें, अगर आप बाकी पार्टियों की जो है जब खवातीन गिरफ्तार होती हैं तो पीटीआई वाले उसका मजाक उड़ाते थे, आज वो खुद हो रहे हैं तो फिर आज वो कह रहे हैं कि हमारे साथ आप सिंपथी करें। हम यही कहते थे ये पॉलिटिक्स है ना करें, कल आपके साथ भी ये होना है, आज हो रहा है तो फिर भुगते हैं। जी, और पीटीआई वकला की जानिब से ताखीरी हरबे भी इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, और अब ये रिएक्शन भी आता है जब कोई फैसला सामने आता है उनके खिलाफ के उनको सुना नहीं गया, सफाई का मौका नहीं दिया गया, आपको लगता है कि इस नैरेटिव में कोई वजन है? जब आपका केस कमजोर होता है तो आप जो है वो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं वकला, और वो कर रहे थे पहले भी इंटर पार्टी इलेक्शन में। एक मतलब है कि वकीलों की वजह से पीटीआई मार खा गई है, अब वो ताखिर यह भी इस्तेमाल करते चीज को डिले कर रहे थे कि ये फैसले डिले हो जाए। वो तो डिले नहीं होने थे, वो तो फैसले होने थे, आज कल परसों जब भी होने थे। जरा सब कुछ कंप्लीट होगी, अदालतों ने फैसले दे दिए हैं, अब फैसले दे दिए तो उसको उनको जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन है, अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी है। जी सर, इस फैसले की टाइमिंग कितनी अहम है? टाइमिंग मैटर नहीं करती है, देखें टाइमिंग जो है मैटर करती भी और नहीं भी करती है। अब आप कहें कि जी इलेक्शन आ रहा है और ये टाइमिंग है, इलेक्शन के बाद हो जाता तो ये डिबेटेबल इशू है कि टाइमिंग जो है वो मैटर जो है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं। लेकिन एक चीज जो है वो फाइनल स्टेज पे आ गई थी और फैसला उन्होंने सुना था, कल भी एक फैसला है, आज भी एक फैसला आया है, तो बिल्कुल टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन है, इलेक्शन में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव असर। जी फैसल करीम कुंडी साहब साथ ही मौजूद रहेगा, कामरान खान साहब प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप हमारे साथ मौजूद है। कामरान खान साहब, तोशाखाना केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? जी अगेन, इसकी भी टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, जाहिर है कि केस अपनी जगह है, और मगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इसी टाइमिंग है, क्योंकि अब इलेक्शन जो है वो 9 रोज दूर है, और कल इमरान खान को और दिलशाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में, और आज ये 14-14 साल की इसमें सजा जो है, यकीनन इसके पहला इम्प्लीकेशन तो यही है कि इसके इलेक्शन पे असरात जो है वो इसकी जरूरत है कि वो इलेक्शन में जो पीटीआई की सपोर्ट है या पीटीआई की तंजीम है खास तौर पे, वो उसके लिए जाहिर है कि ये हौसला शिकन सूरत हाल हो जिसमें लगे कि उनके लीडर को तो दो मुख्तलिफ केसेस में सजा हो चुकी है,
उषा खाना केस की जो अपनी मेरिट है वो अपनी जगह है, और पाकिस्तान में हमने देखा ये है कि इस नौत के तमाम केसेस जिसमें सियासतदानों को सजाएं होती हैं या सियासतदानों के मुकदमात होते हैं उनका फिर हतमी फैसला जाके सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। तो ये चाहे साइफर का केस हो या तोशा खाना का केस हो, अब ये जाएगा जाहिर है कि पहले इसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट पे, अगर जरूरत हुई तो ये होगी। लेकिन इस वक्त की कैफियत ये है कि सजा याफ्ता होना जो है वो तो यकीनी तौर पे किसी भी इलेक्शन के हवाले से उसके प्रॉस्पेक्ट्स पे हो तो उस शख्स के लिए तो वो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल ये एंड होता है गेम, और उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होती क्योंकि सजा याफ्ता करार पाना और मुजरिम हो जाना मुजरिम से ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और इस तरह से दो दिन में दो सजाएं हो जाना इसका मतलब ये कि जो पहले की बात थी वो ये भी कि इमरान खान के लिए जो है वो इस वक्त कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, और ये दोनों सजाएं जो है जाहिर है कि ये अदालतों से सजाएं तो हो गई है, लेकिन इस हवाले से बाहर जो मैसेज है पैगाम है वो लाउड एंड क्लियर है कि इमरान खान की सियासत के लिए या इमरान खान से मुंसलिक सियासत के लिए पाकिस्तान में अभी फिलहाल कोई जगह नहीं है, और ये बहुत से वाशगाफ अल्फाज में पैगाम आ रहा है मुसलसल, कल भी आया आज भी आया और इससे पहले भी, रियासत इस सिलसिले में जो है किसी सूरत से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, शायद उसकी एक वजह यह है कि इमरान खान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जो उनका एक पोजिशन रही है जो इंतहाई कमजोर और जिसमें किसी किस्म की कोई लचक उन्होंने नहीं दिखाई ना पहले दिखाई और ना अब वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि उसमें और सख्ती मुसलसल आती जा रही है, जाहिर है कि जो रद्दअमल है उसमें भी सख्ती है, और ये अब तवील अरसे की है जद्दोजहद है जो अदालती जद्दोजहद है इमरान खान ने लड़नी है और उनकी सियासत ने लड़नी है आइंदा, हमें नहीं मालूम कि कितने साल आगे चलेगी क्योंकि अब बाहर आ लिए इसका एक मरहला हाई कोर्ट के अंदर है फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और दो सजाएं उनकी हो जाना यकीनन ये एक बहुत बड़ी कश्मकश का मामला है, एक बड़ी जद्दोजहद की बात है पाकिस्तान की सियासत में, जाहिर है पल में तोला पल में माशा होता जरूर है, लेकिन फिलहाल जब तक के हमें नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान इस मामले में या अपनी पोजीशन में या अपनी सियासत में या अपनी जो रवैया है उसमें किसी किस्म की कोई लचक अगर नहीं दिखाते तो जाहिर है कि रियासत की तरफ से तो लचक आएगी नहीं, लेकिन अब इसके बाद एक जब इंतखाबात हो जाएंगे इलेक्शन हो जाएंगे और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इलेक्शन के नतीजे क्या होने वाले हैं, हमें क्या पूरी दुनिया को मालूम है कि क्या नतीजा होने वाला है, फिर एक जमहूरी हुकूमत आ जाए या मुंतखब हुकूमत आए वो कमजोर हो मजबूत हो, फिर बहरहाल ये कि जद्दोजहद इमरान खान और उनकी सियासत की उस हुकूमत के साथ भी होगी क्योंकि वो एक पार्लियामेंट भी होगी वहां पे एक हुकूमत होगी, और देखते ही है कि इस दौरान मईशत क्या रुख इख्तियार करती है क्योंकि बहरहाल अवाम की पहली तरजीह तो माशी बेहतरी है, माशी बहाली है, माशी बेहतरी के कितने इम्कान पैदा होते हैं, माशी इम्कान बेहतर होते जाते हैं या हालात में मजीद बेहतरी आती है अगर बहुत तो यकीनन रियासत का तेज मजबूत होता चला जाएगा होता जाएगा, और अगर मीशत की हालात में बेहतरी नहीं आती है मजीद खराबी होती रहती है, रुपए की कदर मजीद गिरती रहती है, महंगाई बढ़ती रहती है, तो यकीनी तौर पर रियासत का केस कमजोर होता रहेगा, इमरान खान का केस बढ़ता रहेगा। लेकिन एक चीज है कि इमरान खान को आज भी जो 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 एडवांटेज है ये जो उनको उनकी बेहतरी है उनके लिए वो यही है कि जब से वो इकतदार से निकले मकबूलियत की बिल्कुल निचली सतह पर से आज वो मकबूलियत की ऊंची तरीन सतह पर पहुंच गए हैं, उसकी वजह सिर्फ हमदर्दी है, अवाम का एक हमदर्दी का एक रवैया या उनकी सोच इमरान खान के साथ बखवाल उनके ज्यादा हुई है, और यही वजह है कि आज अगर आप नंबर्स देखें तो उनके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, और अगर मईशत में बेहतरी नहीं आती हालात में बेहतरी नहीं आती तो ये मजीद बढ़ते चले जाएंगे, और जाहिर है कि इसके आगे चल के पाकिस्तान की सियासत के लिए भी और माहौल के लिए कोई अच्छे असरात नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल फिलहाल अब इमरान खान का जो एक्टिव सियासत का चैप्टर है वो क्लोज है, जाहिर है कि इसमें अब इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती कि फिलहाल वो क्लोज है, और ऐसे चैप्टर पाकिस्तान में क्लोज होते रहे, नवाज शरीफ साहब के एक एक ज्यादा बार क्लोज हुए, नवाज शरीफ साहब को सजाएं मौत भी हुई है, नवाज शरीफ साहब ताहयात सियासत से नाअहल भी हुए हैं, नवाज शरीफ साहब की सियासत छीन भी ली गई है, मगर वो वापस आए हैं, मगर वापस आने का रास्ता जो है उससे सबक सीखना चाहिए कि किस तरीके से अफाम व तफीम के जरिए और
एक लचकदार रवैये के जरिए वापसी होती है। अब आप नहीं सुनते ना नवाज शरीफ साहब कभी सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें या कभी आईनी बालादस्ती की बात इस पर सरार तरीके से करें यानी कि पुरजोर तरीके से करें। अब आप देखिए उनके लहजा उनके पोजिशन वो सब तब्दील हो गई है। तो थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत होती है। जिस दिन इमरान खान में तब्दीली आएगी तो शायद उनकी बहाली का सफर तेज होगा या बेहतरी होगी, वरना तो एक मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल है और जाहिर है कि उनकी सियासत के लिए भी।